हेलो एवरीवन, तो आज हमारे पास है ओप्पो का K10। तो आज इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें नई हैं और ये जो स्मार्टफोन है आपके लिए कितना सुटेबल हो सकता है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि हमारे पास है ये देख सकते हैं कि ओप्पो का K10 है और देखिए यहाँ पर जो है 6GB 128GB का जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। यहाँ पर देखिए साइड में ओप्पो की ब्रांडिंग हो रखी है और बाकी यहाँ पर देखिए ओप्पो K10 लिखा हुआ है। और देखिए अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पर जो है 6GB 128GB का जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि ब्लैक कार्बन जो है इसका कलर है और बाकी चीज़ें इसके अंदर है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इसको आप अनबॉक्स कर दे रहे हैं और यहाँ पर देखिए इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट मिलेंगे आपको। यहाँ पर पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सिम इजेक्टर टूल जो कि सारे स्मार्टफोन्स में आपको मिलते ही हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्माइली का जो है इमोजी दिख रहा है आपको और काफ़ी कूल सा दिख रहा है, फनी सा है, तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो रखा है यहाँ पर, तो इसको भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत सॉफ्ट सा जो है एक जो है आप कह सकते हैं कि बैक कवर दे रखा है इस मोबाइल का, तो इसको भी साइड में रखते हैं सब चीज़ें। और देखिए यहाँ पर जो है हमारा स्मार्टफोन को भी देखेंगे पहले इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। स्मार्टफोन को थोड़ा साइड में रखते हैं तो यहाँ पर आपको 33 वाट का सुपर वो फास्ट चार्जर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि आपके स्मार्टफोन को बहुत तेज़ी से चार्ज कर देता है। और बाकी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर टाइप सी टू USB जो है केबल देखने को मिल जाती है, तो ये सब चीज़ें भी हम साइड में रखते हैं और देखते हैं अपना स्मार्टफोन। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा स्मार्टफोन है और यहाँ पर देखिए इसको अनरैप करते हैं, और जैसे इसको अनरैप करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बहुत बेहतरीन सा जो है स्मार्टफोन आपके सामने दिख रहा होगा। और देखिए यहाँ पर जो इसका बैक है ये जो है प्लास्टिक का या फिर पॉलीकार्बोनेट का बोल सकते हैं, ये मेटल का नहीं है। और अगर हम साइड में देखें तो ये मेटल सा फील हो रहा है, ये शायद मेटल है क्योंकि ये हैवी है थोड़ा। और अगर इसके साइड में देखते हैं तो यहाँ पर पावर बटन भी है और लॉक बटन भी है। अगर इसकी हम कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, और बाकी यहाँ पर आप इसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ओप्टेन के सुपर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो स्क्रीन है वो काफ़ी बेहतरीन से दिख रही है। अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पर जो है आपके दो वॉल्यूम बटन दे रखे हैं, और अगर नीचे बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर स्पीकर का ग्रिल दे रखा है, USB Type-C का जो है यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आइडियो जैक दे रखा है 3.5mm का, यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन दे रखा है। आपका जो आपके पास जो स्माइली का इमोजी वाला जहाँ पर सिम इजेक्टर टूल दे रखा है, यहाँ से हम इसको इजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर सिम ट्रे जो है दे रखा है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो नैनो सिम लग सकती है, यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड लग सकता है, तो यहाँ पर इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए आप इसको देख सकते हैं। और बाकी अगर हम इसके थोड़ा बिल्ड क्वालिटी पर नज़र डालें तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ थोड़ा सा ये कर्वी सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ फ्रेम लग रहा है। अगर इधर साइड में हम देखते हैं तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मतलब एकदम प्लेन नहीं, एकदम स्मूथ सा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उठा हुआ स्क्रीन लग रहा है। और अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर 16.74 सेंटीमीटर यानी कि 6.59 इंच का जो है फुल HD+ डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर जो है ये फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्लैश लाइट है और देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर दिया है, तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है ये ओपन हो चुका है। और देखिए यहाँ पर डिवाइस नेम है ओप्पो K10 है, यहाँ पर वर्जन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कलर OS वर्जन देखेंगे तो वर्जन 11.1 है और एंड्रॉयड वर्जन 11 पे काम करता है। और देखिए इसका प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसर इसका है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। और इसके हम रैम की बात करते हैं तो रैम जो है इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं 2GB 3GB 5GB तक, यानी कि जो है आप यहाँ पर 11GB तक इसकी जो रैम है वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर डिवाइस स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 108GB यहाँ पर अवेलेबल है, 128GB का जो यहाँ पर टोटल दे रखा है, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो देखिए अगर यहाँ पर हम स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको आपको 6.59 इंच का जो है फुल एच डी प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम कैमरे की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका जो कैमरा है यहाँ पर 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 4K का वीडियो यहाँ पर ओपन कर रखा है। यहाँ पर अगर इसके हम क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1080 पिक्सल तक यहाँ पर आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे अभी मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा तो भी देखेंगे इसका जो डिस्प्ले है वो फुल एच डी प्लस एल सी डी डिस्प्ले है, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एमोलेड डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन हाँ एलसीडी डिस्प्ले आप कह सकते हैं, जो कि इसका व्यूइंग एंगल भी काफ़ी ठीक ठाक दे रखा है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। और अगर हम बात करें हम आइडियो क्वालिटी की, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि भी आपने देखा कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ठीक ठाक जो है आपको देखने को मिल जाती है। और अगर हम ब्राइटनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ऑटो मोड में अगर आप यहाँ पर इसको जो है फुल ब्राइटनेस करते हैं तो जो कि काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अगर कैमरे की बात करते हैं, जैसे कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको कई सारे जो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एस्पेक्ट रेशियो 4:3 का, 1:3 फुल 16:9, टाइमर देखने को मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का ऑफ ऑन देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और अगर बाकी और इसमें जाके देखते हैं तो स्लोमो फीचर भी यहाँ पर, टाइम लैप्स भी है, प्रो एक्सपर्ट मोड भी यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो एक्स्ट्रा HD है, पैनोरामेटिक स्कैनर है और मैक्रो है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। पोर्ट्रेट मोड भी है यहाँ पर और वीडियो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे वीडियो में यहाँ पर 1080 पिक्सल का है, यहाँ पर दो दे रखे हैं, एक 1080 पिक्सल ये भी दे रखा है और यहाँ पर एक 720 पिक्सल भी दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कई सारे मोड यहाँ पर देख दिए हुए हैं, बाकी मैं इसको आप चेक करके फिर आपको बताऊँगा। और अगर देखिए यहाँ पर हम स्टोरेज की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टोरेज आप देख पा रहे होंगे कि 20.8 GB यहाँ पर यूज़ किया गया है और 128 GB इन टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है माइक्रो एसडी कार्ड लगा के अप टू 1 TB तक यहाँ पर अपने जो स्टोरेज है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कन्वीनियंस टूल देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन शॉट यहाँ पर आप देखें 3 फिंगर वाला जो स्क्रीन शॉट होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि इनबिल्ट है, और बहुत सारे यहाँ पर स्मार्ट साइड बार, स्प्लिट स्क्रीन और बहुत सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। तो जैसा कि अभी मैं ओप्पो के K10 की अभी फोटो की टेस्टिंग करता हूं और आपको दिखाऊंगा, बाद में मैं बहुत सारी फोटोज डाल दूंगा कि फोटो कौन सी कैसी है, बट अभी थोड़ा सा लाइव जो है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ये फोटोज हैं ये AI मोड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये AI मोड इसका ऑन है, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर जो फोटोज़ इसकी क्वालिटी कैसी है, तो बाद उसकी फ़ोटोज़ डाल दूंगा। पोर्ट्रेट मोड में और दूसरा भी क्लिक करके रखा हुआ हूँ, जो पोर्ट्रेट मोड लीव्स में अच्छी से नहीं आएगी, लेकिन अगर यहाँ पर हम एक्सपर्ट मोड में जाते हैं तो एक्सपर्ट मोड में भी काफ़ी सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर HD में जाते हैं तो HD में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ देखने को मिल जाती है आपको, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको डिटेलिंग HD में आपको डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेलिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है HD मोड में, तो यहाँ पर जो है फ़ोटोज़ की सी क्वालिटी ऐसी है।
जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसका परफॉर्मेंस मोड है, यहाँ पर जो इसका परफॉर्मेंस मोड है तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर ये बैलेंस मोड में अगर इसकी हम बात करें, देखिए यहाँ पर प्रो गेमर मोड है, यहाँ पर बैलेंस मोड है, यहाँ पर लो पावर मोड है। तो मैं यहाँ पर प्रो गेमर मोड में ऑन करके यहाँ पर खेलने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर CPU इसका GPU FPS वगैरह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो कैसा है। अभी तो गेम स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है अनबॉक्सिंग किया ओप्पो K10 की, यहाँ पर जो है फोटोग्राफी में तो काफ़ी अच्छा रहता है कि अगर हम ओप्पो की बात करें तो ये हमेशा से ही कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन रहा है। और अगर हम गेमिंग की बात करते हैं तो सिर्फ गेमिंग में भी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर लैग बहुत ही कम किया मैंने प्रो मोड में ऑन किया था। बाकी अगर आप एवरेज गेमिंग चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और अगर इसकी हम प्राइस रेंज की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो करीब आपको पड़ेगा 13,000 के आसपास, जो है आपको 6 GB और 128 GB का कन्फिग्रेशन में जो है फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।